अस्सलाम वालेकुम। आज हम मज़ेदार वेजिटेबल मिक्स पुलाव बनाएंगे जो कि बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक से खाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिक्स वेजिटेबल पुलाव किस तरह स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। तेल को गर्म होने के बाद इसमें दो तेज़पत्ता, चार सब्ज़ इलायची, दो छोटी सिनेमन स्टिक, चार लौंग और एक टीस्पून ज़ीरा शामिल कर दें और दो मिनट तक फ्राई कर लें। अब इस कढ़ाई में एक मीडियम साइज़ प्याज चॉप्ड फॉर्म में शामिल कर दें और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लें। प्याज हल्का सा फ्राई होने के बाद इसमें दो टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक बड़ी गाजर बारीक चॉप फॉर्म में कटी हुई डालें और इसको दो से तीन मिनट तक पकाएं। गाजर नरम होने के बाद कढ़ाई में दो मीडियम साइज आलू क्यूब कट फॉर्म में शामिल कर दें और इनको दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह पका लें। बारीक चॉप्ड किए हुए दो मीडियम साइज टमाटर भी शामिल कर दें और इनको नरम होने तक पकने दें। अब हम इस तैयारशुदा वेजिटेबल मिक्सचर में एक खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च, डेढ़ खाने का चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और मीडियम साइज बंद गोभी शामिल करके 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह पका लें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी अच्छी मज़ेदार रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पुलाव को कलर देने के लिए इसमें एक चाय का चम्मच सोया सॉस शामिल कर दें और अच्छे से मिक्स कर लें। एक किलो चावल पकाने के लिए कढ़ाई में 1.5 लीटर पानी शामिल कर दें। चावल को 40 मिनट तक पानी में भिगो के रखें, इससे चावल अपने फुल साइज तक पकते हैं। चावल को इस हद तक पकने दें कि पानी की सतह गायब हो जाए और इसमें अब सब्ज़ प्याज शामिल करके हल्की आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएं। फिर चूल्हे को बंद करके लिड उठाए बगैर 10 मिनट तक छोड़ दें। अब तैयारशुदा गर्मा गर्म वेजिटेबल पुलाव को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।